दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की डिस्कशन का टॉपिक है सिंगल लिफ्ट एंड सिंगल सिलेंडर जैकार्ड सेटिंग मैकेनिज्म। तो इससे पहले कि मैं आपको जैकार्ड का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रोसीजर बताऊं, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैकार्ड सेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब किस जगह पे आपको जैकार्ड सेटिंग की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि आप कौन से कपड़े कौन सी बीम बनाने के लिए जैकार्ड सेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो गाइस, आपकी जो शेडिंग होती है तीन प्रकार की होती है, एक टैपेट शेडिंग होती है, एक डॉगी शेडिंग होती है और एक जैकार्ड शेडिंग होती है। तो गाइस, जो हमारी टैपेट शेडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो लिफ्टिंग पैटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको आप बिना टैपेट को चेंज किए हुए बदल नहीं सकते। दूसरा लिमिटेशन हमारी टैपेट शेडिंग के अंदर होता है कि आपकी वीव के अंदर जो पिक्स पर रिपीट होते हैं, तो टैपेट के अंदर आप पिक्स पर रिपीट ज़्यादा नहीं ले सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 पिक तक ले सकते हो अपनी वीव के अंदर। तो गाइस, इसलिए टैपेट के अंदर हम ज़्यादातर बहुत सिंपल से डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि आपका प्लेन हो गया, आपका ट्विल हो गया या आपका सैटिन हो गया। गाइस, इसके बाद आता है आपका डॉगी शेडिंग। तो डॉगी शेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं गाइस, अपनी लूम के ऊपर छोटे छोटे मोटिफ बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल मोटिफ बनाते हैं। और होता क्या है कि डॉगी शेडिंग के अंदर हम 28 हील शाफ्ट को डिफरेंट डिफरेंट लिफ्टिंग प्लान दे सकते हैं, मतलब हर एक हील शाफ्ट को हम अलग लिफ्टिंग ऑर्डर में उठा सकते हैं। बट डॉगी शेडिंग के अंदर भी आप बहुत छोटे छोटे मोटिफ बना सकते हो, बट यदि आपको कभी जरूरत पड़ती है कि बड़े बड़े आप ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाएं या ऑर्नामेंटल डिजाइन बनाएं या कोई फ्लोरल डिजाइन बनाएं, तो आप डॉगी शेडिंग के अंदर नहीं बना सकते हो। गाइज, होता क्या है कि यदि आपको कोई ऑर्नामेंटल डिजाइन बनाना है, आपको कोई फ्लोरल डिजाइन बनाना है या आपको कोई ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना है, तो आपके डिजाइन के अंदर नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट और नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहां पे ना तो आप डॉगी शेडिंग का प्रयोग कर सकते, क्योंकि डॉगी शेडिंग के अंदर नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट की लिमिटेशन होती है और टैपेट शेडिंग के अंदर दोनों ही लिमिटेशन होते हैं, नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट एंड नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट इन द बीम। तो गाइस, हमारा जो जैकार्ड शेडिंग होता है इसके अंदर आप नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट भी आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए हमें जैकार्ड शेडिंग की आवश्यकता होती है, और जैकार्ड शेडिंग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फ्लोरल डिजाइन है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, ऑर्नामेंटल डिजाइन है, तो उनको आसानी से बना पाते हैं। अब गाइस, मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लिफ्ट एंड सिंगल सिलेंडर जैकार्ड, मतलब जो हमारी जैकार्ड शेडिंग होती है तो उसके अंदर जैकार्ड भी कई प्रकार के होते हैं गाइस, जैसे कि आपका सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर, आपका डबल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर और आपका डबल लिफ्ट डबल सिलेंडर, और इसके बाद में फाइन पिच जैकार्ड, और फाइनली जो लेटेस्ट मॉडल है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड। तो गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। द नाइफ्स आर माउंटेड ऑन द ग्रिफ। तो जैकार्ड के अंदर नाइफ्स होते हैं जो आपके हुक को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, वो ग्रिफ के ऊपर माउंट किए जाते हैं। द ग्रिफ मेक्स अप एंड डाउन मूवमेंट। और जो आपका ग्रिफ होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे नाइफ लगे होते हैं, तो आपका पूरा ग्रिफ अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। द लोअर एंड ऑफ हुक्स रेस्ट अपॉन द ग्रेट। तो जो आपका हुक्स का नीचे वाला सिरा होता है वो ग्रेट के ऊपर रेस्ट करता है। ए नीडल इज एंगेज्ड विद ईच हुक थ्रू द आई ऑफ ए नीडल।
गाइस जैकार्ड के अंदर एक सिलेक्शन नीडल प्रयोग की जाती है, तो उसमें एक आई बनी होती है, वो आपके हर हुक में इंगेज होती है, मतलब एक हुक के लिए एक सिलेक्शन नीडल यूज की जाती है। द फ्रंट एंड ऑफ द नीडल पासिस थ्रू द होल ऑफ द नीडल बोर्ड। हमारे नीडल का जो फ्रंट एंड होता है वो आपके नीडल बोर्ड से पास होता है। ए प्रेशर स्प्रिंग इज फिटेड एट द रियर एंड ऑफ द नीडल, और नीडल के पीछे वाले सिरे पे एक प्रेशर स्प्रिंग लगी होती है। द प्रेशर स्प्रिंग ऑलवेज पुशेस द नीडल टुवर्ड द सिलेंडर, और प्रेशर स्प्रिंग हमारे नीडल को हमेशा सिलेंडर की तरफ पुश करने की कोशिश करती है। द पैटर्न सिलेंडर इज माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द नीडल बोर्ड, और नीडल बोर्ड के सामने एक पैटर्न सिलेंडर माउंट किया जाता है। ए स्टार व्हील इज माउंटेड एट वन साइड ऑफ द पैटर्न सिलेंडर, और पैटर्न सिलेंडर के एक साइड में एक स्टार व्हील लगा होता है। द पंच्ड कार्ड चैन इज माउंटेड ओवर द पैटर्न सिलेंडर, पैटर्न सिलेंडर के ऊपर एक पंच किया हुआ कार्ड होता है, तो उसकी एक चैन माउंट की जाती है। द लोअर एंड ऑफ ईच हुक इज कनेक्टेड विद द अपर एंड ऑफ द नेक कॉर्ड, तो जो हमारा हुक होता है उसका नीचे वाला सिरा नेक कॉर्ड के ऊपर वाले सिरे से कनेक्ट होता है। नाउ द नेक कॉर्ड पासिस थ्रू द होल्स ऑफ द टग बोर्ड माउंटेड जस्ट अंडर द हुक, तो जो हमारे हुक होते हैं उनके नीचे एक टग बोर्ड माउंट किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, और जो हमारी नेक कॉर्ड होती है तो वो पहले टग बोर्ड के होल से पास होती है। एंड एस लिंक गेट्स कनेक्टेड एट द लोअर एंड ऑफ नेक कॉर्ड, तो जो हमारा नेक कॉर्ड का नीचे वाला सिरा होता है उससे एक एस शेप का लिंक कनेक्ट होता है। द एस लिंक इज कनेक्टेड विद द अपर एंड ऑफ द हार्नेस कॉर्ड, और जो एस लिंक होता है वो हार्नेस कॉर्ड के ऊपर वाले सिरे से जुड़ा होता है। दिस हार्नेस कॉर्ड पासिस थ्रू द होल ऑफ द कॉम्बर बोर्ड माउंटेड ऑन द लूम, गाइस लूम के ऊपर एक कॉम्बर बोर्ड माउंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, तो जो हमारी हार्नेस होती है वो जब नीचे की तरफ आती है तो कॉम्बर बोर्ड के होल से पास होती है। द लोअर एंड ऑफ द हार्नेस कॉर्ड इज कनेक्टेड विद द अपर एंड ऑफ द हील्ड वायर, और जो हार्नेस का नीचे वाला सिरा होता है वो हील्ड वायर के ऊपर वाले सिरे से कनेक्ट होता है। द लोअर एंड ऑफ द हील्ड वायर गेट्स कनेक्टेड विद द लिंगो, और हील्ड वायर का नीचे वाला सिरा लिंगो से कनेक्ट होता है, तो लिंगो क्या होता है, एक डेड वेट होता है जो हील्ड वायर के नीचे लटकाया जाता है। द जैकार्ड रिसीव्स रोटेटरी मोशन थ्रू ए क्रैंक शाफ्ट, तो जो हमारा जैकार्ड सेटिंग मैकेनिज्म होता है वो लूम के क्रैंक शाफ्ट के थ्रू रोटेटरी मोशन प्राप्त करता है। द स्प्रोकेट व्हील एंड चैन आर यूज्ड फॉर मोशन ट्रांसफर, और इस रोटेटरी मोशन को ट्रांसफर करने के लिए हम स्प्रोकेट व्हील और चैन का प्रयोग करते हैं। गाइस एक स्प्रोकेट व्हील हमारे क्रैंक शाफ्ट पर लगता है और एक स्प्रोकेट व्हील हमारे जैकार्ड शाफ्ट पर लगता है, और दोनों स्प्रोकेट व्हील चैन की सहायता से आपस में जुड़े हुए होते हैं। गाइस अब मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड का स्ट्रक्चर बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी लोग इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमारे सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड का किस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो गाइस ये हमने ऊपर दिखाया हुआ है पूरा ये फ्रेम होता है, तो इसको हम ग्रिफ बोलते हैं, और इस ग्रिफ के अंदर नाइफ लगे होते हैं। गाइस देखिए ये ग्रिफ है और ये नाइफ है, देखिए ये वाले देखिए एक ये नाइफ है, एक ये नाइफ है, एक ये नाइफ है, एक ये नाइफ है, एक ये मतलब हमारे हुक्स की 8 रो हैं, और ये जो जैकार्ड हमने आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर आपको जो हॉरिजेंटली यदि आप देखेंगे तो आपको 50 हुक्स दिखाई पड़ेंगे, मतलब एक रो के अंदर 50 हुक हैं और 50 हुक की 8 रो हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको 8 रो दिख रही हैं हुक की। अब ये ग्रिफ हो गई आपकी, ये नाइफ हो गया। गाइस जो आपका ग्रिफ होता है वो इसेंट्रिक की सहायता से अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका हुक है, तो जब हमारा जैकार्ड सिलेक्शन पोजीशन में आता है तो क्या होता है कि ये जो हुक होते हैं
सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे कि हुक नाइफ के ऊपर एंगेज हो सके। तो गाइस ये आपका हुक है, आप देख सकते हैं ये हुक है आपका, ये आपका पैटर्न सिलेंडर है, इसके ऊपर आपका जो पैटर्न चैन होता है वो चलता है, पंच कार्ड चैन होती है। और ये आप देख पा रहे हैं ये नीडल्स हैं, सिलेक्शन नीडल भी बोलते हैं इनको, और इनमें एक आई बनी होती है, तो आई की सहायता से ये हुक में एंगेज होती है। देखिए गाइस ये आई है आपकी, ये देख रहे होंगे आप, ये आई है, ये हुक के साथ में एंगेज होती है। और ये आपका स्प्रिंग बोर्ड होता है, तो स्प्रिंग बोर्ड में क्या होता है कि हर नीडल के पीछे एक स्प्रिंग लगी होती है। गाइस देखिए ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका नीडल होता है हमेशा टुवार्ड दी सिलेंडर जाने की कोशिश करता है, मतलब इधर को जाने की कोशिश करता है। और ये आपका नीडल बोर्ड है, तो इसके अंदर होल होते हैं, तो नीडल बोर्ड के होल से आपके नीडल पास होते हैं, मतलब जो नीडल का फ्रंट एंड होता है, मतलब सामने वाला सिरा होता है, वो नीडल बोर्ड से पास होता है। गाइस ये जो आपका हुक होता है, इसका जो बॉटम एंड होता है वो ग्रेट के ऊपर रेस्ट करता है, तो ये ग्रेट है, ग्रेट का मतलब जाली। और ये जो आपका हुक होता है इसमें एक नेक कॉर्ड लगी होती है, तो ये पूरी नेक कॉर्ड है, आप देख पा रहे हैं, देखिए गाइस यहाँ पे ये नेक कॉर्ड है, और इस नेक कॉर्ड के नीचे सिरे पे एक एस लिंक लगा होता है, और नेक कॉर्ड का ऊपरी वाला सिरा आपके हुक से बंधा होता है, और एस लिंक से आपका जाता है हार्नेस, ये आपका हार्नेस है, तो हार्नेस जब नीचे आता है तो कहाँ पे पास होता है, आपके कॉम्बर बोर्ड के होल से पास होता है, और पास होने के बाद में फिर ये हीड वायर के ऊपर वाले सिरे से जुड़ा होता है, और हीड वायर नीचे कनेक्टेड होता है लिंगो से, लिंगो एक तरीके का डेड वेट होता है। गाइस ये आपका टग बोर्ड है, तो टग बोर्ड क्या करता है, आपके जो नेक कॉर्ड होते हैं उनको गाइड करता है, मतलब इधर उधर नहीं होने देता, इंटेंगल भी नहीं होने देता है। अब गाइस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल लिफ्ट एंड सिंगल सिलेंडर जैकार्ड, मतलब जो हमारा सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सिंगल लिफ्ट और सिंगल सिलेंडर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सिंगल लिफ्ट का मतलब ये है कि जब आपकी लूम का एक राउंड लगेगा, मतलब आपकी क्रैंक शाफ्ट एक बार पूरा राउंड लगेगी, तो आपका जैकार्ड भी एक बार ही घूमेगा, मतलब एक बार सेट फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड कहते हैं। और सिंगल सिलेंडर का मतलब यह है कि जो आपका पैटर्न सिलेंडर है, तो जैकार्ड के अंदर यदि आप एक सिलेंडर यूज करते हैं तो उसको हम सिंगल सिलेंडर बोलते हैं, तो दोनों को मिला के ये सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड कहलाता है। गाइस ये जो हमारा जैकार्ड होता है, तो उसको मोशन ट्रांसफर कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक स्प्रॉकेट व्हील माउंट किया जाता है, और सेम साइज का सेम नंबर ऑफ टीथ का स्प्रॉकेट व्हील हम जैकार्ड शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं, और दोनों स्प्रॉकेट व्हील कनेक्ट होते हैं एक चैन के थ्रू। तो जैसे ही आपका क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, तो साथ में आपका जो जैकार्ड शाफ्ट होता है वो भी रोटेट करता है, और आपका क्रैंक शाफ्ट जब एक रेवोल्यूशन पूरा करता है तो जैकार्ड शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। जो हमारी ग्रिफ होती है, तो ग्रिफ को अप एंड डाउन मूवमेंट देने के लिए एसेंट्रिक केम्स का यूज किया जाता है, तो एसेंट्रिक केम्स की सहायता से हमारा ग्रिफ अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। जो हमारे नाइफ होते हैं वो चूंकि ग्रिफ के ऊपर माउंट होते हैं, तो जैसे ही आपका ग्रिफ अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, तो आपका नाइफ भी ग्रिफ के साथ में ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। गाइस जैसे ही हमारा ग्रिफ नीचे की तरफ आता है, तो कंप्लीटली जब वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारे हुक्स होते हैं वो सारे के सारे नाइफ्स के ऊपर आ जाते हैं, तो इस पोजीशन को हम सिलेक्शन पोजीशन कहते हैं। गाइस क्या होता है कि हमारे जैकार्ड को सिलेक्शन पोजीशन पे आने के बाद में जो हमारा पैटर्न सिलेंडर होता है वो नीडल के फ्रंट एंड को या सामने वाले सिरों को पुश करता है। तो कैसे पुश करता है, जो हमारा पैटर्न सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक पंच्ड कार्ड चैन लगी होती है, तो जब सिलेंडर पुश करेगा तो क्या होता है, कुछ नीडल पीछे की तरफ चले जाते हैं और कुछ नीडल जो कार्ड के अंदर पंच्ड होल होते हैं तो उनके थ्रू आपके परफोरेटेड सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गैस ये जो नीडल पीछे जाते हैं तो उनका कारण ये होता है कि जहां पे आपका कार्ड है वहां पे कोई होल नहीं होता है, तो
तो उस प्लेस पे आपका सिलेक्शन नीडल है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और जहां पे कार्ड के अंदर होल होता है तो वहां पे आपका सिलेक्शन नीडल एंटर कर जाता है आपके परफोरेटेड सिलेंडर के अंदर। अब गाइस जो नीडल आपका पीछे की तरफ चला जाता है या पीछे की तरफ पुश हो जाता है वो हुक नाइफ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब नाइफ के ऊपर से हट जाता है, और जो नीडल आपके कार्ड के होल के अंदर से परफोरेटेड सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है वो हुक नाइफ के ऊपर एंगेज हो जाती है। अब क्या होता है गाइस कि जो हमारा जैकार्ड है तो वो तो हमेशा अप एंड डाउन मूवमेंट करता ही रहता है, और जैसे ही आपका ग्रेफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो जो हुक नाइफ के ऊपर एंगेज हो जाते हैं उनको ग्रेफ्ट ऊपर की तरफ ले जाती है। और गाइस जो हमारा हुक होता है वो आपके नेक कॉर्ड और हार्नेस की सहायता से लीड वायर के साथ में कनेक्ट होता है, तो जैसे ही आपका हुक ऊपर की तरफ जाता है तो आपका लीड वायर होता है वो भी साथ साथ में ऊपर उठ जाता है, और जो लीड वायर के साथ में एंड या धागा भरा हुआ होता है वो भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो क्या होता है कि कुछ हुक नीचे रह जाते हैं, जो सेलेक्ट नहीं होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और जो हुक सेलेक्ट हो जाते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। इस तरीके से आपके लूम के अंदर सेट फॉर्मेशन हो जाता है। गाइस आपका जो हुक होता है वो ऊपर तो चला गया बट नीचे ले जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि आपका जो जैकार्ड होता है वो नेगेटिव जैकार्ड होता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम हील वायर के नीचे वाले सिरे में हम एक डेड वेट लटकाते हैं, उसको हम लिंगो कहते हैं, तो डेड वेट के वजह से आपका हुक डाउन पोजिशन में आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आपका सिंगल लिफ्ट सिंगल सिलेंडर जैकार्ड काम करता है। अब आप स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से देखिए गाइस, ये जो आपकी ग्रिफ होती है तो ये हमेशा अप एंड डाउन मूवमेंट करती रहती है, और वो कैसे करती है मैंने आपको बताया कि जैकार्ड शाफ्ट और आपका जो लूम का क्रैंक शाफ्ट होता है वो आपस में स्प्रॉकेट व्हील और चेन से कनेक्ट होते हैं, तो जैसे ही आपका क्रैंक शाफ्ट घूमता है तो आपका जैकार्ड शाफ्ट भी घूमता है, और जैकार्ड शाफ्ट घूमने पे क्या होता है कि एसेंट्रिक कैम्स की सहायता से आपका जो ग्रिफ है ये वाला ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। अब गाइस क्या होता है कि जैसे ही आपका ग्रिफ बॉटम डेड सेंटर पे आता है कंप्लीट डाउन पोजीशन में आता है तो ये जो आपका नाइफ का पोजीशन होता है इस हुक के नीचे आ जाता है, ये इस हुक के नीचे आ गया तो ये सिलेक्शन पोजीशन होती है, और इसके बाद में आपका जो सिलेंडर होता है पैटर्न सिलेंडर ये पुश करता है आपके नीडल्स को, तो ये आपके नीडल्स होते हैं इनके फ्रंट वाले सिरे को पुश करता है, इधर की तरफ ये पुश करता है। तो गाइस पुश करने में क्या होता है कि जहां पे आपके कार्ड के अंदर होल होता है तो वो नीडल सिलेंडर के अंदर चली जाती है, और जहां पे होल नहीं होता है तो वो वाली नीडल क्या होता है पीछे की तरफ पुश हो जाती है। गाइस यहां पे देखिए, यहां पे आपका सिलेक्शन हुआ पहले, तो सिलेक्शन होने पे क्या हुआ, ये वाला हुक और ये वाला हुक ये आपके नाइफ के ऊपर इंगेज हो गए, और यहां पे क्या हुआ जब आपके सिलेंडर ने इसको पुश किया तो गाइस देखिए ये ऊपर के दो नीडल को ये पुश नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे होल्स थे कार्ड में, नीचे के दो नीडल को पुश नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे होल्स थे कार्ड में, और ये जो बीच के चार नीडल हैं तो इसको इसने पुश कर दिया, तो पुश करने पे क्या हुआ आपके नीडल इधर की तरफ चले गए। गाइस देखिए यहाँ पे एक नीडल ये और ये पीछे की तरफ पुश हो गए, और जो आपके ऊपर वाले दो नीडल और नीचे वाले दो नीडल थे वो आपके सिलेंडर के होल में जाने की वजह से नाइफ के ऊपर रह गए, मतलब नाइफ के साथ में इंगेज हो गए। अब आपका जो ग्रिफ है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो गाइस देखिए जैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो हुक नाइफ के साथ में ऊपर उठ जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हुक ऊपर की तरफ उड़ गया है, आप यहाँ पे पोजीशन भी देख सकते हैं, ये जो हुक सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो आपके ग्रेड के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये रेस्ट कर रहे हैं, एक ये वाला हुक उठ गया यहाँ पे, ये भी उठ गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके हुक के साथ में क्या जुड़ा होता है, नेक कॉर्ड और हार्नेस जुड़ी होती है, मतलब हुक से नेक कॉर्ड जुड़ा होता है और नेक कॉर्ड से आपका हार्नेस कॉर्ड जुड़ा होता है, ये हार्नेस कॉर्ड है, और हार्नेस कॉर्ड कहाँ पे जाता है, हीड वायर पे कनेक्ट होता है, और हीड वायर के नीचे लिंगो लगा होता है। तो गाइस ये जब ऊपर उठेगा तो आपका ये जो हीड वायर है ये ऊपर उठ जाएगा, और
जब ये नीचे आता है तो कोई मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव सिस्टम होता है या नेगेटिव मैकेनिज्म होता है, तो ये जो नीचे लगा हुआ है लिंगो, तो ये डेड वेट होता है, ये आपके हुक को डाउनवर्ड पोजिशन में लाने का काम करता है। और ये जो टग बोर्ड होता है ये आपके नेक कॉर्ड को गाइड करता है, एक दूसरे से एंटेंगल नहीं होने देता है। और ये जो आपका कॉम्बर बोर्ड होता है, तो कॉम्बर बोर्ड भी आपके हार्नेसेस को एंटेंगल नहीं होने देता है और अलग अलग रखने का काम करता है। गाइस, जैकार्ड सेटिंग के ऊपर आप ये जो चेन देख रहे हो, पंच कार्ड की चेन है, इसको काफी बड़ा कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट आप काफी ज्यादा ले सकते हैं। और इस जैकार्ड के अंदर आप 4 से 6 तक की डिजाइन इजीली बना सकते हैं। तो गाइस, देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।